छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि आलाकमान के निर्देश पर वो भूपेश बघेल को मनाएंगे। पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आरोप लगाया कि बीजेपी ने षड्यंत्र करके झूठा और फर्जी मुकदमा किया, जबकि सीबीआई जांच से स्पष्ट है कि सीडी मंत्रियों की आपसी गुटबाजी के कारण बनी। सीडी बनाने वाला बीजेपी का नेता है। पुनिया ने कहा कि जो सीडी भूपेश ने लहराई उसकी जाँच नहीं हुई, जो FIR प्रकाश बजाज ने की थी वो फर्जी निकली। पुनिया ने कहा कि जब आधार ही खत्म हो गया फिर भूपेश बघेल दोषी कैसे। पुनिया ने कहा कि बघेल निर्दोष हैं, जेल जाकर उन्होंने ये संदेश जन जन तक पहुंचा दिया, लेकिन नेतृत्व ने कहा है कि बीजेपी का षड्यंत्र जो है उसमें आना नहीं है, इसीलिए भूपेश बघेल से बेल लेने के लिए निवेदन किया जाएगा। इधर बघेल से मिलने पहुंचे नेताओं को ये कहकर लौटाया गया कि जेल में सुकमा से हार्डकोर नक्सली आ रहा है, इसीलिए उनको मिलने नहीं दिया जा सकता। जेल प्रशासन ने पीएल पुनिया समेत नेताओं को बघेल से मिलने के लिए गुरुवार सुबह 11 बजे का वक्त दिया है। आदरणीय पुनिया जी को आमंत्रित करता हूं। इसमें इन्हीं के अपने लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह का परिणाम ये सब है। वो इतना गंभीर है क्योंकि उसमें भूपेश बघेल जी को लपेटना है, इसलिए ये CBI जांच करके और कुचक्र चलाने का प्रयास किया है। हम उसमें नहीं आने वाले हैं। हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो जेल के बाहर आए, मार्गदर्शन करें, नेतृत्व करें।